सो हेलो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ही बढ़िया होगे एंड आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो भाई अगर हम लोग बात करें, आज है अपना 27th of January एंड हम लोग सब जानते हैं कि भाई अपने फ्री फायर प्रो लीग का जो फाइनल्स है वो हर दिन के बाद जो हमारे आगे आते जा रहा है एंड बहुत ही जल्द हमें फाइनल को देखने को मिल जाएगा। तो अब बिल्कुल ही सही टाइम है कि हम लोग ये डिस्कस करें कि फाइनल में कौन जीत सकता है एंड क्या होने वाले हैं मेरे प्रेडिक्शंस। तो वही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं इंट्रो के बाद। तो भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि इस बार FFPL में होने वाली थी वो होने वाले थे भाई हेड स्टार्ट पॉइंट। एंड आप में से बहुत सारे लोग जो थे वो कंफ्यूज थे एंड इवन कुछ में इसको पता भी नहीं होगा कि भाई हेड स्टार्ट पॉइंट क्या है। बट हम लोग अगर बात करें हेड स्टार्ट पॉइंट के बारे में तो वो भाई लीग स्टेज में जो रैंकिंग आई थी उनकी उनके हिसाब से जो पॉइंट थे वो उन्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने वाले थे। एंड अगर बात करें आप में से बहुत लोग को नहीं पता होगा कि भाई इस बार हेड स्टार्ट पॉइंट होने वाला है। इवन कुछ दिनों में लास्ट में कमेंट से पढ़ रहा था तो आप में से कुछ बोल रहे थे कि भाई हेड स्टार्ट पॉइंट नहीं होंगे। बट अगर आप अभी जाके हमारे FFPL का जो वीडियो पेज उसे जाके चेक करोगे तो आपको अभी से ही जो हमारे रेवेन्यू डीस्पोर्ट के 14 पॉइंट और बाकी टीम के उनके जो लीग स्टेज पे रैंकिंग थी उसके हिसाब से पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि इस बार भी FFPL में हमें जो हेड स्टार्ट पॉइंट है वो देखने को मिलने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेड स्टार्ट पॉइंट जो है वो क्या किस टीम को मिले हैं एंड अभी कौन कौन सी टीम हमें फाइनल में देखने को मिलने वाली है। तो भाई ये रही वो टीम आपकी स्क्रीन पे वो भी उनके पॉइंट्स के साथ। तो यहाँ पे हमने देखने को मिल रही है भाई रेवेन्यू ई स्पोर्ट्स, केमिन ई स्पोर्ट्स, निग्मा गैलेक्सी, टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स, टोटल गेमिंग, टीम केओएस, केएम ब्रदरहुड, गॉडल, टीएसएम, ऑरा गेमिंग, असैसिन आर्मी एंड पीवीएस गेमिंग ई स्पोर्ट्स एंड उन सभी के पॉइंट्स जो आपको दिख रहे होंगे। एंड नंबर वन पे हमारी जो है वो रेवेन्यू ई स्पोर्ट्स एंड केमिन ई स्पोर्ट्स एंड निग्मा गैलेक्सी, ये तीन टीम के पास एक अपर हैंड होने वाले क्योंकि भाई मैच शुरू होने से पहले यानी कि हमारे जो 6 मैचेस हैं उनके शुरू होने से पहले ही इनके पास 10 पॉइंट्स की है, 10 पॉइंट्स की, 12 पॉइंट की एंड 14 पॉइंट की लीड रहेगी। इसीलिए ये लोग हैं फेवर में रहेंगे एंड सिर्फ यही लोग फेवर में नहीं रहेंगे भाई, सारी की सारी जो टॉप 6 टीम्स है वो सभी फेवर में रहने वाली है। इनके पास पहले से ही जो है वो पॉइंट्स इकट्ठा रहेंगे एंड अगर ये लोग इसके बाद थोड़े से भी कंसिस्टेंट रहेंगे तो भाई ऑफकोर्स ये है कि वो लोग जीत। बट इफ हम लोग अभी फिर से पॉइंट टेबल को देखने जाएंगे तो भाई उसमें हमें मिल जाएगा कि भाई जो टॉप 6 टीम्स है वो ऐसे ही टॉप 6 पर नहीं आई है। हम लोग सब जानते हैं भाई लीग स्टेज से जो हेडशॉट पॉइंट दिए गए हैं एंड इवन लीग स्टेज में अगर ये कंसिस्टेंट थी तभी ये लोग ऊपर आए होंगे। एंड अगर ऐसा है तो भाई हम लोग कह सकते हैं ये इन फॉर्म टीम्स है एंड भाई टोटल गेमिंग का फॉर्म देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरे पर्सनल प्रेडिक्शन से तीन टीम जो है वो इसको जीत सकती है, इस टूर्नामेंट को यानी कि FFPL को जीत सकती है। वो होने वाली है अपनी टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, निग्मा गैलेक्सी एंड गॉडल। ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है, आप अपना पर्सनल प्रेडिक्शन क्या है भाई कॉमेंट बताना। बट अकॉर्डिंग टू हेडशॉट पॉइंट जो टॉप 3 टीम्स हैं वो तीनों की तीनों ही कंसिस्टेंट टीम्स हैं एंड उन तीनों के पास जो है वो 10 से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स होने वाले हैं। तो भाई इवन इफ वो थोड़े से भी कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो लोग जो है उस टूर्नामेंट को इजीली विन कर सकते हैं। बट इन फॉर्म अगर हम लोग देखें तो भाई टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स और रेवेन्यू ई स्पोर्ट्स जो है ये दोनों टीम अभी बहुत ज़्यादा इन फॉर्म चल रहे हैं एंड इन दोनों में से कोई भी इस टूर्नामेंट को जीत सकता है। बाकी देखते हैं टूर्नामेंट क्या होगा, आप अपने जो प्रेडिक्शन है वो ड्रॉप करें। आज के लिए कहते रखते हैं, थैंक्स वॉचिंग।